की कीमतों में अचानक से उछाल देखने को मिला है। बिनौला खल की कीमतों ने 2400 से 2500 के सीमित दायरे से निकलकर 2600 से 2700 के बीच काफी समय तक कारोबार किया है। इसी दौरान बिनौला खल काफी बार 2800 का स्तर भी दिखा चुका था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा था। हालांकि बीते कुछ दिनों से बिनौला खल NCDEX पर 2800 के ऊपर सस्टेन हो रखा है और तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स बिनौला खल में आगे और तेजी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो बिनौला खल के फंडामेंटल्स और मजबूत होते नजर आ सकते हैं। वर्तमान में पशु चारे के लिए हरी घास की कीमतें काफी ज्यादा है और सूखी घास की कीमतें भी कुछ कम नहीं है, जिससे दूध उत्पादन पर असर पड़ा है। ऐसे में बिनौला खल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पशुओं में दूध की मात्रा को और फैट को बढ़ा सकता है। बाकी खलों में प्रोटीन तो होता है, लेकिन दूध की मात्रा और फैट सिर्फ बिनौला खल ही बढ़ा सकता है। इसीलिए पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री से बिनौला खल की इंडस्ट्रियल मांग निकल सकती है। बाजार की जानकार रूपा मेहता के मुताबिक, अगर बिनौला खल 2850 से 2880 की वीकली क्लोजिंग दे देता है, तो आगे कीमतें और अच्छी तेजी की ओर अग्रसर हो सकती हैं। रूपा मेहता के मुताबिक बिनौला खल की कीमतें 3000 के पार भी जा सकती हैं। वहीं साल 2022 में बिनौला खल अच्छी तेजी दिखाने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।